हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो व्लॉग है वो थर्सडे का है। ऐसे ही हम लोग शाम को थोड़ा घूमने के लिए निकल गए थे, और बच्चों के साथ घूमना नहीं होता है, घूमना भी स्ट्रगल हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं पकड़ती घूम रही हूँ दोनों को, कभी सीढ़ियों पे जा रहा है राघव, कभी कहीं तो कभी कहीं शैतानियाँ चल रही है। एक मंदिर है और हम जहाँ रहते हैं वहाँ किला भी है बहुत अच्छा, तो वहीं गए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, थोड़ा सा साफ़ सफाई का सोच रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर भी हम रहते हैं, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई करना तो बनता ही है ना दीपावली की। तो थोड़ा फ़ैन वगैरह साफ़ कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, ये रूम का मतलब जो भी ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकती वो कर दे रहे हैं। उसके बाद जो नीचे की फ़र्श की क्लीनिंग वगैरह वो सब मैं करूँगी, किचन आज नहीं कर रहे हैं। तो बस उसके बाद में ना उन्होंने अपना काम कर दिया था करीब 10 बजे सुबह मॉर्निंग में। फिर मैंने कहा आधे घंटे के अंदर मैं भी जल्दी से जो भी नीचे फ़र्श की क्लीनिंग है वो कर देती हूँ। तो मैंने पानी से अच्छे से धुल दिया था सारा कुछ, और वाइपर से एक बार तो मैं निकाल चुकी थी अच्छे से, दूसरी बार ही निकाल रही थी, क्योंकि हम एक दो दिन में अब यहाँ से जाने वाले हैं अपने डबरा में, क्योंकि वहाँ जाना है तो वहाँ पर भी सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह का पार्ट करना है। तो इसलिए हम धनतेरस के एक दो दिन पहले ही जा रहे हैं, 2-3 दिन पहले, क्योंकि वहाँ पर भी सब ऐसे ही अभी पड़ा हुआ है। सो बस देखिए, फ़ैन वगैरह सब चमक गया है। रूम में मैंने जो भी चीज़ें थी ना वो सब सेट कर दी हैं, विंडो वगैरह भी सब एकदम क्लीन पुछ गई हैं अच्छे से। किचन थोड़ी सी मैशी हो रही थी, वो मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद में किचन और बालकनी जो थी ना वो अच्छे से धुल करके, और जहाँ जहाँ पानी के दाग वगैरह लगे थे ना वो सब अच्छे से मैंने एक लोहे वाला स्पंज ले लिया है, उससे करती जा रही हूँ। और यहाँ ना कूलर भी आज हमने हटा दिया है, अब इतना ज़्यादा गर्मी यहाँ फील होती नहीं है। 1-2 घंटे रात को चलाते हैं बस, तो फिर अभी हमने इसको हटा दिया, क्योंकि हम दीपावली के बाद जब आएंगे तब तक तो बिल्कुल ही सर्दियाँ ही आ जाएंगी, तो इसलिए हटा दिया है। पानी के कुछ दाग यहाँ लगे हुए हैं जिन्हें हम बाद में आकर के थोड़ा हार्पिक वगैरह से साफ़ कर। आज हमारे भगवान की पूजा भी अभी हुई है, शाम के 4 बज गए हैं। यहाँ बन रही है शाम की चाय, और कान्हा जी के भोग के लिए बिना प्याज मिर्च वाले सिर्फ आलू धनिया वाले पकोड़े, और बच्चों के भोग के लिए भी वान्या क्या खाओगी और चाय राघव चाय पकोड़ा। अच्छा ठीक है, क्या इसमें क्या पानी चाहिए? राघव बोलना सीखा है अभी, सिर्फ इतना बस इतना ही। लो 2 कप में चाय दे रहा है बेटा, अभी दे रहा है, बस भोग लगा दे प्रभु का। आप एक काम करो, तुलसी जी के पौधे से 2 पत्ते तोड़ लाओ, ठीक है, ले आओ। सुबह सब लगेगा हमारा यहाँ कान्हा जी का भोग। तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है, और अभी ना शाम के 4 बज गए हैं, 5 बजे हम लोग निकल रहे हैं आज। मेरे हस्बैंड गए हैं अभी ड्यूटी पर, वो आ जाएंगे तो हम लोग 5:15 तक निकल जाएंगे। तो मैं छोटे मोटे जो काम है वो निपटा रही हूँ, कपड़े अभी मैंने केवल पहन लिए हैं जाने के, क्योंकि वो इसलिए पहन लिए क्योंकि बहुत जल्दी बहुत हौच-पौच हो जाता है, तो मैंने सूट पर प्रेस करनी थी तो पहले प्रेस किया, उसके बाद पहन लिया। और ये देखो राघव धूप में भी मेरे पीछे ही आएगा, इसको चैन नहीं है कमरे के अंदर बिल्कुल भी। और अभी बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो पड़े हुए हैं, थोड़े बर्तन साफ़ करना है, चाय बनानी है, खाना तो मैंने सब पैक कर दिया है, कपड़े उठाते हैं पहले। सो मैं तो रेडी हो गई हूँ, चाय वाय पी ली, कपड़े पे सब तय करके रख दिए, और ये जो बैग है ना इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ करवा चौथ पे जो भी मैंने पहना था, हाँ लहंगा और साड़ी वगैरह मेरा चूड़ा वगैरह वही सब है, और जो चढ़ाने के लिए रखा था वो भी है। राघव रो रहे हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह रोते रहते हैं, और बान्या को भी तैयार कर दिया, बस राघव को ही रेडी होना है। और ना इसमें सिर्फ राघव के एक्स्ट्रा कपड़े हैं, क्योंकि राघव ही अभी ऐसा है जिसके कपड़े एक दिन में 3-4 बार चेंज होते हैं, क्योंकि फिर कुछ गिरा दिया तो इनके एक्स्ट्रा ले जाने पड़ते हैं, बाकी हमारे कपड़े ना वहाँ के वहीं रहते हैं, यहाँ के यहीं रहते हैं, वान्या के भी और मेरे भी और मेरे पतिदेव के भी, वो अभी तक आए नहीं है। वान्या ने भी फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कि आ रहे हैं, और ये झाड़ू मार रहा है मेरे पैर में। अरे अरे हंसता है गंदा लड़का, हंसता है। अभी ना बस लास्ट काम एक करना है, घर को झाड़ना है, दिखाती हूँ कितना गंदा। देखिए जहाँ वहाँ कुछ ना कुछ फैला है, और ये ना
एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ की है। दिन में 3 से 4 बार 5 बार 10 बार झाड़ने के बाद भी घर की ये हालत हो जाती है। जगह जगह कचरा गंदगी सब दिख रही होगी, देखो यहाँ पर भी सब कुछ। बाकी ये सब कुछ क्लीन है, एवरीथिंग हमने कर दिया है। यहाँ पर हमारा खाना जो लेकर जाएंगे वो पैक हो गया है, और ये गाय को खिलाने का है जो अभी हम ले जाएंगे, रास्ते में खिला देंगे। बाकी सब पैक हैं। भगवान जी को भी हमने आज मंदिर वगैरह भी सब साफ़ किया था, ये सब साफ़ किया था आज किचन, जिसका तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ये देखिए विंडो वगैरह साफ़ दिख रही होंगी, सब रगड़ रगड़ के साफ़ की आज मैंने और मेरे पति देव ने, बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में सब चीज़ें की हैं। सो बस, और पता है क्या, इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि इसको ना मैं यहीं पर अपलोड करके चली जाऊँ, बिकॉज़ यहाँ ना हमारा वाईफाई कनेक्टेड है, तो यहाँ ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप तक एक मैसेज पहुँच जाएगा कि हाँ हम डबरा के लिए निकल गए हैं, पहुँच गए हैं। नहीं तो वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं पता कि कब नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहाँ की क्लीनिंग के एक आध बनेंगे नहीं बनेंगे, दीपावली सेलिब्रेशन सारी चीज़ें, और ये भी नहीं पता वो वीडियो कब एडिट होंगे और कब आप तक पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो काम वाम भी रहता है, प्लस वहाँ वाईफाई नहीं है ना, तो जो नॉर्मल डेटा है, जो नॉर्मल डाटा है ना, वो तो वहाँ नहीं ख़त्म कर देती है दिन भर देख देख के, क्योंकि वहाँ टीवी भी नहीं है, मतलब टीवी तो है पर टीवी में डिश टीवी का कनेक्शन नहीं, क्योंकि हम लोग रहते नहीं है ना, इसीलिए तो इसलिए इस वीडियो को यहीं अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपके पास एक और अपडेट पहुँच जाए कि हाँ हम यहाँ से निकल गए हैं, डबरा पहुँच गए हैं, और दिवाली सेलिब्रेशन के लिए बाथरूम में घुसते रहते हैं ऑलवेज बच्चों की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी है वो करके इसको फटाफट अपलोड करती हूँ, और ये सब चीज़ें साफ़ करके तब तक मेरे पतिदेव भी आ जाएंगे, दोनों बच्चों को रेडी करते हैं, फिर हम निकलते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे डबरा वाले ब्लॉग्स में, अब बाय बाय।